अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल को यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे, तो अब इसको यहीं से आगे लेके चलेंगे। तो ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रूट डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस। अब चूंकि ए जो है ये कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा 1 बाय ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ये डी एक्स एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, अब अगर इसमें देखें ना, तो ये जो है ना, ये एज इट इज हमारे पास क्वेश्चन की आगे के क्वेश्चन में हमने चूंकि इसको इंटीग्रेट करना था, तो ये एज इट इज उसी तरह की चीज आ गई है, तो हम इसको लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर लेंगे। ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट डी एक्स, ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये एज इट इज लिखेंगे, ए ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। और अगर इसको देखें ना, तो ये एक फार्मूला बनता है, इसका जो फार्मूला है वो क्या होगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर स्क्वेयर रूट। तो ये उसका एग्जैक्टली जो है फार्मूला हम इस पे यहां पर पुट कर देंगे। अच्छा, लेफ्ट साइड पे ना ये दोनों आपस में ऐड होंगे, तो इक्वल आ जाएगा 2 स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू ए स्क्वेयर एक्स इंटू ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर स्केयर रूट, एज इट इज आ जाएगा। इसमें अब क्या करेंगे, 2 को डिवाइड कर लेंगे दोनों तरफ, तो इक्वल आएगा ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर स्केयर रूट। अगर आप इसमें देखें ना, ये इधर डिवाइड कर देते हैं इसको, और राइट साइड पे भी डिवाइड होगा, तो बाकी जो है वो एज इट इज आ जाएगा, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर स्केयर रूट प्लस ए स्केयर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर स्केयर रूट, ठीक हो गया। अच्छा, यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल जो आंसर है वो हमें मिल जाएगा ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर डी एक्स 1/2 एक्स ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर स्केयर रूट प्लस ए स्केयर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस ए स्केयर प्लस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर आके जो एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये इसमें हमने देखा स्टूडेंट के डिफरेंट तरह की जो है एग्जाम्पल वो हमने डिस्कस की है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है हमने जो टॉपिक है इंटीग्रेशन से रिलेटेड वो टॉपिक डिस्कस करना है, जिसमें क्या है जी, इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग पार्शल फ्रैक्शंस, पार्शल फ्रैक्शंस, ठीक है, इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग पार्शल फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें हम दोनों चीजों को कंबाइन लेकर चलेंगे कि पार्शल फ्रैक्शंस पहले करेंगे और फिर उस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो पार्शल फ्रैक्शन के लिए ना हमारे पास कुछ केसेस बनेंगे, 3 केसेस बनेंगे। हम उसमें क्या करेंगे, उन केसेस को 1 बाय 1 जो है इंटीग्रेशन के साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहले जरा उसको एक्सप्लेन करेंगे कि अगर हमारे पास पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शंस, आर पॉलिनोमियल फंक्शंस, आर पॉलिनोमियल फंक्शंस, आर पॉलिनोमियल फंक्शंस एंड द डिनोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर क्यू ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर पॉलिनोमियल है, और डिनोमिनेटर जो है ना क्यू ऑफ एक्स वो 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए इन द रैशनल फंक्शन, इन द रैशनल फंक्शन
इन द रैशनल फंक्शन पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स कैन बी फैक्टराइज्ड इन टू लीनियर into linear and quadratic और quadratic जो होगा वो हमारे पास irreducible होगा, irreducible। ये मैं आपको बाद में explain भी करूंगा कि इस irreducible का क्या मतलब है। irreducible factors, then the rational function is written as sum of simpler rational functions, sum of simple rational functions। तो इसमें जो है हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि इफ पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शंस, पॉलिनोमियल भी आपको पता है, और डिनोमिनेटर अगर मतलब इस तरह से सिचुएशन हो रहा है, डिनोमिनेटर जो है वो अदर देन जीरो हो, कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इररिड्यूसिबल फैक्टर्स, देन द रैशनल फंक्शन इज रिटन एज अ सम ऑफ सिंपलर रैशनल फंक्शन। ठीक है कि अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए मतलब फैक्टर्स बना के, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें ना हमारे पास तीन केसेस होंगे और वो तीनों केसेस जो होगा ना वो हम डिनोमिनेटर को डिस्कस करेंगे। उसमें जो पहला केस है वो होगा नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स का, दूसरा जो है वो आएगा रिपीटेड एंड नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स का, और तीसरा जो है वो लीनियर एंड नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा और नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो ये तीनों केसेस जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।